हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बोया MM1 माइक का। तो चलिए माइक का अनबॉक्सिंग करते हैं, साथ में क्या क्या दिया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद माइक को मोबाइल पर लगाकर वॉइस रिकॉर्डिंग टेस्टिंग करते हैं। ये बोया माइक का अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी डिटेल बता देता हूँ। ये माइक को आप मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और DSLR कैमरा सारी आइटम में वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब बारी आती है बोया माइक के अनबॉक्सिंग करने की। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। वाओ, विंडशील्ड के साथ माइक बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं, माइक को बाहर निकालते हैं। बहुत ही बढ़िया माइक है बोया MM1 का। बोया माइक के बॉक्स के साथ और दिया हुआ है, ये है TRRS कनेक्टर। इसको मोबाइल में कनेक्ट करके वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये है TRS कनेक्टर, इसको DSLR कैमरा में कनेक्ट करके वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये है शॉक माउंट, यहां पर माइक को सेट करना है। और एक कैरी बैग दिया हुआ है। तो हमने पूरे बोया माइक के सेटअप को तो देख लिया, अब बोया माइक को मोबाइल पर लगाते हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग टेस्ट करते हैं। माइक को विंडशील्ड और शॉक माउंट पे सेट कर दिया है। अब माउंट पे सेट करते हैं, उसके बाद मोबाइल पर लगाते हैं। तो दोस्तों, मैंने माइक को मोबाइल पे लगा दिया है। अब वॉइस रिकॉर्डिंग में चेंजेस जरूर आ रहा होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वॉइस रिकॉर्डिंग में चेंजेस आ रहा है या नहीं। बोया MM1 माइक को आप लोग ट्रैवलिंग पे यूज़ कर सकते हो। अब मैं भी जो भी व्लॉग्स बनाऊंगा माइक लगाकर बनाऊंगा, ताकि वॉइस रिकॉर्डिंग बढ़िया रहे। तो एक छोटी सी बात बोलकर आज का व्लॉग कंप्लीट करता हूँ। ये माइक अगर आप परचेस करना चाहते हो तो मार्केट में 1000 रुपीज़ से 1500 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। अगर आप भी वीडियोस बनाते हैं तो आप भी बोया MM1 माइक परचेस कर सकते हो। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो कर दीजिए लाइक, और आप नए हो मेरी चैनल पे तो कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।